पाकिस्तान के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और मुसन्निफ अली अब्बास इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। हमारी एंकर पर्सन रिवाज ने उनसे आजकल के दौर में नौजवान नस्ल को दरपेश मसाइल पर चंद अहम सवालात किए हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना था, ये जानते हैं इस खसूसी गुफ्तगू में। आदाब अर्ज़ है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे पाकिस्तान से बरतानिया बहुत ही मशहूर शख्सियत हमारे साथ हैं, अली अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। रिवाज, आपका बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, ज़बरदस्त। जैसे ही हमें पता चला है कि आप आए हैं, वी वर रियली एक्साइटेड, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो और इसके साथ साथ आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, तो आप इसके थ्रू क्या मैसेज, मेन आपका क्या मकसद है, कौन सा ऐसा मैसेज हम जानना चाहते हैं जो आप देना चाहते हैं स्पेशली नौजवान से? रिवाज, मेरी किताबें जो हैं वो सूफीज़म पे हैं और मैं रिसर्च करता हूँ कि इंटरफेथ हारमनी कैसे हो सकती है, जो एक दूसरे के जो मज़ाहिब हैं उनको कैसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर आप तो यहाँ लंदन में रह रही हैं, यहाँ पे तो सिख ईसाई जो मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ये सारे बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज़ हैं, ये सारे मिल के रहते हैं, तो अगर इंटरफेथ हारमनी होगी तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकेगी। अगर हमारे हमसाए में कोई हिंदू रह रहा है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके रिलीजन को, तो हम अपनी भी ज़िंदगी मुश्किल में लेके आएंगे और उनकी भी ज़िंदगी मुश्किल में लेके आएंगे। तो जिसका जो भी मज़हब है, आप उसको पहले जो स्टेप है वो उसको एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो मज़हब है वो नेचर से और गॉड से करीबतर है, तो आप उसकी तबलीग शुरू कर सकते हैं। और मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि जो नौजवान नस्ल है जी, और काफ़ी की सोच जो मनफी है, तो क्या आप क्या ऐसा एक मैसेज पैगाम उनको देना चाहेंगे कि उनकी जो सोच है वो मुस्बत हो जाए और अमल करें? अच्छा रिवाज, ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपका और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब इसका मैं आपको देता हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो ये कहते थे कि यूथ ख़राब हो गई है, जो मेरे फादर हैं वो भी यही कहा करते थे कि यूथ ख़राब हो गई है, और जो हमारा जो ज़माना अभी चल रहा है हमें भी ऐसा महसूस होता है कि यूथ ख़राब होती है। रिवाज, हम ना बहुत सारी बातें, बहुत सारे जुमले मीडिया से सुन के, लोगों से सुन के हम बयान कर देते हैं, हम उस पर तहकीक नहीं करते, उसकी डेप्थ में नहीं जाते, हमें ऐसा लगता है कि ये ज़माना ख़राब है, जबकि खुदा कहता है कि ज़माने को बुरा मत कहो, मैं खुद ज़माना हूँ, तो ज़माने को मेरे ख्याल से बुरा नहीं कहना चाहिए। यूथ ये हमेशा से ऐसी ही रही है और मेरे ख्याल से वो ऐसी ही रहेगी, इनके लिए ज़रूरी ये है कि इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ जिसमें इनको कोई डायरेक्शन मिले, और यहाँ पे तो खैर लंदन में तो बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे हर वक्त मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं और अपने जो इंटेलेक्ट लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी चाहिए कि जो मुख्तलिफ जगहों पे जो कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप, उसका पार्ट बने ताकि वो इस कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुसलमान मुसलमानों के साथ अपना वक्त ना गुजारें, क्योंकि कमो बेश आप देखें वही बातें होंगी। मैं जब से यहाँ आया हूँ वो सियासत को रोया जा रहा है, महंगाई को रोया जा रहा है, हमें रातदर जी डिस्कशन करनी चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, ये वो डिस्कशंस हैं जिसका अल्टीमेट फ़ायदा हमें होगा। हम घंटों भी हम सियासत पे डिस्कशन करते रहें तो कोई उसका खातर ख्वाह उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हर एक का रुझान उसी तरफ है, मोबाइल्स हर बच्चे के पास हैं, तो क्या आप एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है, तो हम क्या इस सिलसिले में कर सकते हैं और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मोबाइल बच्चे ज़रूर यूज़ करेंगे, ये आप उसको अब हटा नहीं सकते, क्योंकि देखें ना उनको आदत पड़ गई है, उनका जो सिलेबस है, करिकुलम है, तो सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उनको स्पोर्ट्स में इंगेज करें, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको वॉक में इंगेज करें। यहाँ पे तो लेयर्स क्लब बहुत ज़्यादा हैं लंदन में, तो पाकिस्तान में तो खैर इतने उस तरह से नहीं है, जहाँ पे फैमिलीज पूरी की पूरी जाके स्विमिंग कर रही होती हैं, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, कोई चकूजी में बैठा है, कोई सोना ले रहा है, कोई बात ले रहा है, तो जितना ज़्यादा आप बच्चों को, इवन जॉयलैंड जो यहाँ पे हैं, जितना ज़्यादा आप उनको इंगेज रख सकते हैं तब वो मोबाइल की जान छोड़ेंगे। जैसे ही बच्चे के पास फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी
और इंसान का एक रिवाज बहुत बड़ा मसला है कि उसके दिमाग ने ना कुछ करते रहना है। उसके दिमाग में अगर उसके दिमाग में कुछ नहीं है तो वो तकरीबकारी सोचना शुरू कर देगा, नेगेटिव सोच वो सोचना शुरू कर देगा। तो दिमाग को इंगेज रखें, जैसे अभी हमने एक्टिविटी की है, गपशप लगाई है लोगों के साथ, मुख्तलिफ लोग जियो से, दुनिया से, 44 टीवी चैनल से और मुख्तलिफ ये जो सोशल कम्युनिटी के जो लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के, ये आए हुए थे। तो आप देखें, गौर करें, जब हम गुफ्तगू में थे तो बहुत कम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि रिवाज वो इंगेज थे गुफ्तगू में। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ यूके गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की कोई ऐसा इनिशिएटिव खुद ले लें, हर इलाके में ना एक सेंटर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए आओ बात करें, वी शुड टॉक। अच्छा, उसमें वाईफाई जो है वो बैन होना चाहिए, वहाँ पे जैमर लगाओ, तो जो लोग लोनलीनेस के शिकार हैं या जो घर में बैठ के बोरियत फील कर रहे हैं वो वहाँ पे आए। एक तरफ जो है वो ब्लू कलर की चेयर हो और एक तरफ जो है वो ग्रीन कलर की चेयर हो, और जिसने ब्लू कलर की चेयर पे जो बैठिए आके, इट मीन्स के ही और शी इज़ लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, फॉर अ पार्टनर। बहुत दफ़ा ऐसे होता है ना, हम रात को हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए, तो हमें ऐसे सेंटर चले जाना चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसे लोग आपके मुंतजर हैं जो बोर हो रहे हैं। तो अगर ये 10-15 सेंटर भी ये लंदन शहर में बन जाएं, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग भी आके बैठें, आप उनसे फिर कोई ग्रीस का आपको भी मिल गया तो आप उनके कल्चर के बारे में उनसे पूछना शुरू कर दें कि जी आपके यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, आपके फूड क्या है, तो आप बड़ी लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। फिर आपकी वो जो गुफ्तगू है वो फ्रेंडशिप में भी बदल सकती है। देखिए, आपका जब ज़ुबान और जब आपके कान का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को, अपनी रोज़मर्रा के जो काम हैं उसको बता के बड़ा मज़ा आता है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी वाकया होगा आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करेंगी, जैसे आज हमने ये मीटिंग की, आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगी। कुछ लोग सेल्फीज लगा लेंगे फेसबुक पे, वहाँ से गुफ्तगू जनरेट हो जाएगी कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, कौन लोग आए हुए थे। तो जो भी इंसान की ज़िंदगी में इवेंट हो वो कम से कम 6-7-8 लोगों से उसका तذکرہ ज़रूर करता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि आप जितना अर्सा भी यहाँ पे रहें अच्छा सा गुजरे आपका, और पाकिस्तानी को लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगामात तो बहुत दिए जाते हैं, हर इंटरव्यू में हर एंड पे ये पूछा जाता है कि क्या पैगाम है। मैं पैगाम कोई ज़्यादा इतना प्रेफर नहीं करता देना, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मुख्तसर ज़िंदगी है, आपका जो दिल कर रहा है वो कर लें, ज़्यादा सोचे ना, ज़्यादा डिले ना करें। आप हम करते कहते हैं कल कर लेंगे, परसों से मिल लेंगे, जिसको दिल चाहता है आप उससे मिलें, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ जो आपके दिमाग में आइडिया आया उसको 24 आवर्स में एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि ये एक पावर एनर्जी होती है। जब आइडिया आता है तो आपके अंदर एक पावर और एक एनर्जी होती है, जब वो डिले हो जाता है तो आप सुस्त हो जाते हैं। जैसे जो दिल कर रहा है उसको फौरन अप्लाई करें और अपनी लाइफ में रिपेंट ना रखें, तरसे ना चीज़ों को। ऐसे ही आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स, रिलीजियस प्रेशर्स में ना आए, जो दिल करता है उसको एक्सपीरियंस जरूर करें एक दफ़ा। मेरी ज़िंदगी का अपना जो फिलॉसफी है वो ये है कि एवरी एक्सपीरियंस इन रिच योर सेल्फ, हर एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया इजाफा करता है आपके नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके एक्सपोजर में। डेफिनेटली इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता कैसे। और छोटी उम्र में ना ज़्यादा गलतियाँ कर लेनी चाहिए, ताकि जब ज़्यादा आपकी उम्र आ जाए तो आप उसमें मैच्योर हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाइस, ये थे हमारे साथ अली अब्बास, द मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू।